सारे से प्राणी उद्योजक वैभव मोहता इनके बायोगैस प्लांट के गोबर जमा करने के टैंक में गिर गया था। तब शहर के सर्प मित्र देवा जोशी इन्होंने अपने सांप पकड़ने के अनुभव के रहते सुरक्षित पकड़ के जंगल में छोड़ दिया। सारस को पकड़ने का शहर में ये पहला प्रयोग था। प्राणी प्रेमी देवा जोशी ने जंगली प्राणी सारस को दिया जीवन दान। वैभव कुमार मोहता हिंगन घाट उद्योगपति इनके बायोगैस प्लांट में गोबर जमा करने के टैंक में गिर गया था। तब इस बारे में शहर के सर्प मित्र जोशी इनको मोबाइल द्वारा सूचित किया। तब जोशी इनका सांप को पकड़ने में महारत हासिल है। सारस ये जंगल प्राणी रहते उसको नोकीले काटे रहते हैं। तब जोशी इनके सांप पकड़ने के अनुभव को रहते सारस को पकड़ने का प्रयास किया और इस जंगली प्राणी को सुरक्षित पकड़े जंगल में छोड़ दिया। तब जोशी इन्होंने जानकारी दी। हिंगनघाट से रवि नोरकर की रिपोर्ट, NBC न्यूज, नागपुर। मुझे यहाँ के उद्योगपति श्री वैभव कुमार जी मोहता जी ने फोन करके बुलाया कि हमारे यहाँ एक जंगली प्राणी सारस करके पॉर्क्यूपाइन करके यहाँ पे आया हुआ है, इसका कुछ कर सकते क्या? तो मुझे फॉरेस्ट वाले का किसी का पता नहीं था मालूम, और मैं योगा आयोग वही नांदगांव चौरस्ते के पास में खड़ा था, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा, मैंने ट्राई किया उसे और बड़ी मुश्किल से एक दो कांटे मुझे भी लगे और मैंने पकड़ा और उसको ले जाके नदी के किनारे पे छोड़ दिया। ये जंगली प्राणी है लेकिन रहते हैं खेत वगैरह में, जहाँ झुकी जंगल वगैरह रहते हैं, कांटे मैंने कांटे छोड़ते हैं अपने। बहुत मजा आया मुझे पकड़ने, अनुभव एक नया अनुभव था मेरे लिए, लेकिन चैलेंज के तौर पर मैंने उसे लिया और उसको सुखरूप पकड़ के उसको अपनी जगह पर छोड़ दिया।